हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो इकोलॉजी के आज हम थर्ड लेवल के ऊपर आ चुके हैं। हमने फर्स्ट लेवल के अंदर देखा कि एक ऑर्गेनिज्म अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन जो है वो डेवलप हुई है। सेकेंड लेवल के अंदर हमने देखा कि जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी ग्रोथ के अंदर या फिर उसकी इनिबिशन के अंदर। हमने ग्रोथ के पैटर्न भी जो है वो देखे। हमारा जो थर्ड इकोलॉजिकल लेवल है यानी जो कम्युनिटी लेवल है उसके अंदर हम देखेंगे पॉपुलेशन के बीच में इंट्रैक्शन कौन कौन सी होती है। आज जो डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शन है उसके अंदर हम चार डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक प्रीडेशन, दूसरा अमनसलिज्म, कमनसलिज्म, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोकोपरेशन एंड फिर म्यूचुअलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के ऊपर जाने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना इंट्रैक्ट किए इस वर्ल्ड के अंदर रह सकता हो। जैसे हार्बिवोर है, दे हैव सम डिपेंडेंसी ओवर द प्लांट्स, क्योंकि अगर प्लांट के साथ इंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। कार्निवोर हैज़ टू इंट्रैक्ट विद द हार्बिवोर, अगर उनके साथ इंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसको खाना नहीं मिलेगा। प्लांट हाई ओवर दे आर ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, बट दे हैव टू इंट्रैक्ट विद द माइक्रोब्स, जो सोयल के अंदर माइक्रोब पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनके साथ जो है इंट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि अगर उनके साथ इंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उसको नाइट्रोजन या फिर दूसरे जो मिनरल जो है वो नहीं मिलेंगे। तो माइक्रोब जो है वो डेड सब्सटेंसेस को अल्टीमेटली मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दे मेक द सोयल फर्टाइल, और वही फर्टिलिटी जो है वो प्लांट जो है वो कैप्चर करके अल्टीमेटली ग्रो जो है कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, प्लांट हाउएवर वो ऑटोट्रॉप है बट दे हैव टू इंट्रैक्ट विद द डिफरेंट माइक्रोब्स। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर बताया गया है कि जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है वो 7 टाइप की है एंड उसमें से 4 जो है हम अभी पढ़ेंगे। पहली जो हमारी इंट्रैक्शन है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझें कि प्रीडेशन एक टाइप की इंट्रैक्शन है, लेकिन वो इंट्रैक्शन कैसी है, इंटर स्पेसिफिक है। वर्ड को समझे, स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीसीज, और इंटर का मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच की इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो उसको मार देता है एंड फिर उसको कंज्यूम कर लेता है। जो मारने वाला है यानी जो उसको किल करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर, जबकि जो एनिमल जो कि मर गया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं, जैसे लायन खाता है किसको, डियर को, तो डियर जो है वो मर जाता है लेकिन जो लायन जो है वो जिंदा रहता है एंड वो डियर को जो है फीड करता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो लायन है वो एक प्रीडेटर है एंड जो डियर है वो एक प्रे है। प्रे का मतलब शिकार एंड प्रीडेटर का मतलब शिकारी। शिकारी कौन है, लायन है, शिकार कौन है, डियर है। सिमिलरली अगर हम देखें तो बैट जो है वो इंसेक्ट को खाता है, तो इंसेक्ट जो है वो मारे जाएंगे किसके द्वारा, बैट्स के द्वारा, तो इसका मतलब बैट यहाँ पर क्या है, एक प्रीडेटर है, जबकि इंसेक्ट यहाँ पर क्या है, प्रे है। सिमिलरली अगर हम देखें जो स्नेक है वो खाता है क्या, माइस को, तो स्नेक क्या हो गया, एक प्रीडेटर हो गया क्योंकि वो शिकार करने लग रहा है किसका, माइस का, और माइस जो कि मर जाएगा तो माइस क्या है, यहाँ पे प्रे है। सिमिलरली जो बर्ड है वो खाते हैं सीड्स को, तो जो बर्ड है वो क्या हो गए, एक प्रीडेटर, एंड ये किसके ऊपर प्रीडेटरशिप करने लग रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट यहाँ पर क्या हो गया, प्रे है। तो प्लांट आर आल्सो ए प्रे एंड जो बर्ड है वो जब इनके सीड को खाते हैं तो वो उनकी अगली प्रोजेनी को खाने लगने लग रहे हैं, क्योंकि सीड जो है अगर वो सोइल के अंदर जाता है एंड उसको प्रॉपर अमाउंट में सभी चीज़ें मिलती तो जर्मिनेट करके नया प्लांट जो है बना देता है, लेकिन वो जो सीड है वो उसको कौन खा गया, बर्ड खा गया। तो इसका मतलब हार्बिवोरी इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रीडेशन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना समझे कि जो कार्निवोर है केवल वही प्रीडेटर है, हार्बिवोर जो है वो भी प्रीडेटर जो है वो होता है। इसके अलावा जो डियर है वो प्लांट को खाता है, तो डियर क्या है, तो डियर भी जो है वो एक प्रीडेटर है, किसका प्रीडेटर है, वो प्लांट्स का है। तो खाली लायन को ना समझें कि लायन ही प्रीडेटर हो सकता है क्योंकि वो कार्निवोर है, डियर भी प्रीडेटर है क्योंकि वो प्लांट को जो है वो खाने लगने लग रहा है। तो अगर किसी को शिकार करना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा वो उसको खा सके यानी कि निगल सके उसको। तो जितने भी प्रीडेटर है उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली उनके अंदर क्लॉज मिलते हैं, ठीक है, पंजे होंगे, ठीक है, एंड थ्रो दिस दे विल कैप्चर द प्रे, ठीक है। इसके अलावा टीथ होंगे उनके चबाने के लिए, उनको क्रश करने के लिए।
फैंग्स होंगे, जैसे कि सांप है, सांप के जो है जहरीले दांत होते हैं, तो जो वो लंबे लंबे दांत होते हैं उनको फैंग्स बोलते हैं। स्टिंगन्स होंगे, ठीक है, जैसे कि बीज होते हैं तो उनके पास डंक होता है, बिच्छू है उसके पास डंक होता है, तो जो स्टिंग है तो वो भी एक टाइप का क्या है, प्रीडेशन करने का एक तरीका है, जिसके द्वारा प्रीडेशन जो है वो हो पाता है। अपने अंदर पॉइजन डेवलप करना वो भी क्या है, एक टाइप का प्रीडेटरशिप है। जैसे स्नेक है वो अपने अंदर पॉइजन ही तो डेवलप करने लग रहा है, एंड उसके द्वारा जो है वो दूसरे जो इंडिविजुअल जो है उसको पैरालाइज कर देता है या फिर उसके अंदर टॉक्सिन छोड़ देता है एंड फिर उसको जो है खा जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होने लग रहा है कि पॉइजन जो है वो एक टाइप का शिकार करने का तरीका जो है वो होने लग रहा है। अब प्रीडेटर ने तो अपना शिकार करने के लिए ये चीज़ जो है डेवलप की है, क्या प्रे केवल मरने के लिए है? क्या उसने ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं किया जिससे वो बच के? उसने भी बहुत सारी अलग चीज़ जो है डेवलप कर रखी है। तो अगर प्रीडेशन से बचने को देखें तो प्लांट ने क्या क्या डेवलप किया है, तो प्लांट जो है वो आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट है या फिर थॉर्न्स जो है वो प्रेजेंट है। तो एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, एक लीफ की मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन एक तो ये बचाती भी है कि जो हार्बिवोर हो, यानी कि कोई डियर आने लग रहा है या फिर कोई दूसरा एनिमल जो है वो आने लग रहा है, तो अगर उसके ऊपर काटे होंगे तो उसको वो नहीं खाएंगे, आराम से तो नहीं खा सकते, ठीक है, ये तो पक्का ही है, क्योंकि जैसे ही मुंह उसके अंदर डालेगा तो वो उसको काटने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो जो है उसको नहीं खाएगा। तो स्पाइन और थॉर्न्स एक टाइप की अडेप्टेशन है जिसमें प्रे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग रहा है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कुछ के जो लीव्स जो है वो बड़े शार्प होते हैं, उस शार्प इन दी सेंस अगर आप उसके ऊपर हाथ अगर लगाओगे तो आपके हाथ जो है वो चीर सकते हैं। तो आपने ऐसे प्लांट भी देखे होंगे जिनके जो मार्जिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एंड वो इसी वजह से है ताकि वो हार्बिवोरी से अपने आप को बचा सके, यानी कि जो हार्बिवोर आने लग रहा है उनसे अपने आप को बचा सके। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्होंने अपने अंदर कुछ केमिकल ऐसे डेवलप कर रखे हैं जिससे वो हार्बिवोर से अपने आप को बचा सके, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड का डेवलप होना, ये किसी हार्बिवोर को मार भी सकता है, उसका डाइजेशन ख़राब भी कर सकता है, एंड ये कैलोस्ट्रोपिक जो वीड होती है, कैलोस्ट्रोपिक उसके अंदर जो है पाया जाता है। तो नॉर्मली हार्बिवोर जो है इसको नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, बिकॉज उसके अंदर ऐसा केमिकल है एंड उसका डाइजेशन खराब भी हो सकता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो नॉर्मली इसको नहीं खाएंगे क्योंकि एक टाइप का केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से वो हर्बिवोर से बचने लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेंस। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर निकोटीन का डेवलप होना, कैफीन का डेवलप होना, क्यूनिन का डेवलप होना, ओपियम का डेवलप होना, अब आपको ये लगेगा कि ये तो ड्रग्स हैं, इनसे तो नशा होता है। देखिए प्लांट ने ये चीज़ क्यों डेवलप की थी, जनरली कोई भी एनिमल अगर ऐसी चीज़ खाएगा तो उसको नशा होगा एंड वो इधर उधर जाके जो है गिरेगा एंड उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट होंगे। तो जब एक एनिमल को ऐसा पता लगेगा तो वो ऐसे प्लांट को अपने आप से जो है दूर रखेगा। तो हार्बिवोरी से बचने का एक तरीका था, वो अलग बात है कि हम थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए तो हमें कुछ नशा करने की ज़्यादा आदत लग गई, तो डेट इज़ ए डिफरेंट केस। बट अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्लांट ने ऐसे केमिकल इस वजह से डेवलप किए हैं ताकि उसको नशा हो जाए एंड उसको खाने के लिए वो ना आए, तो एक टाइप के हार्बिवोरी से बचाने के लिए, एंड ये काम करता भी है नॉर्मली जो एनिमल्स हो, हमारी बात थोड़ी अलग है क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा ब्रेन है, बट जिनके अंदर कम ब्रेन होता है वो इनके पास इतनी जल्दी से जो है वो जाते नहीं है जब तक कि वो मरने ना लग जाए, ठीक है। तो यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर स्पाइन थोन सार्पेजिस का डेवलप होना और सर्टेन कुछ केमिकल का डेवलप होना, तो वो ये शो करता है कि दीज आर दी अडेप्टेशन ऑफ ए प्लांट टू प्रिवेंट दी हार्बिवोरी। एनिमल्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई है, जैसे कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का क्या मतलब है, अपना जो कलर है वो कुछ ऐसा कर लेना जिससे वो बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल गायब हो जाए। तो कैमोफ्लाज एक नॉर्मल एग्जांपल तो है ही, ठीक है, लेकिन उसी तरीके से ग्रास ऊपर देखें जो जनरल ग्रीन कलर का होता है, प्रेगमेंटिस को देखेंगे तो उसकी जो शेप साइज स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो प्लांट है उसकी लीफ है उसकी जो ग्रासेस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलता है। तो ये एक टाइप के ऐसे क्रिप्टिक कलरेशन है। तो क्रिप्टिक का मतलब छुप जाना, तो ऐसे कलर जो छुपा दे का मतलब कहीं अंदर घुस के नहीं बल्कि वो बाहर ही प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि उसका कलर एंड जो बैकग्राउंड का कलर है वो बिल्कुल एक जैसा है, इस वजह से कभी पता ही नहीं लगता कि वो जो ऑर्गेनिज्म वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो डेफिनेटली अगर सेम कलर हो तो स्पॉट करना जो है रिलेटिवली मुश्किल होता है, आप इस डायग्राम के अंदर भी अलग से जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा
एक डिफरेंट टाइप की अडप्टेशन है जिसको हम बोलते हैं बेटसन मिमिक्री। बेटसन मिमिक्री के अंदर क्या होता है, जो हार्मलेस स्पीसीज होती है यानी जो अपने आपको बचा नहीं सकती, तो वो एक मिमिक्री डेवलप कर रखी है उसके अंदर कि जो जैसी हार्मफुल स्पीसीज होती है, हार्मफुल स्पीसीज का मतलब यहाँ पर है अनपैलेटेबल स्पीसीज, तो यानी जो पैलेटेबल यानी कि हार्मलेस स्पीसीज है वो कॉपी करती है हार्मफुल स्पीसीज की, सो डैट कि इन दोनों का कलर का जो मिक्सचर है वो एक जैसा हो जाए, और जब कलर का मिक्सचर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा तो फिर जो प्रीडेटर है उसको ये लगेगा कि ये जो स्पीसीज है वो हार्मफुल है, इस वजह से इसको जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो इसमें एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार आता है, एक है वाइसरॉय बटरफ्लाई, ठीक है, जो नॉर्मली हार्मलेस होती है लेकिन वो कलर की जो है मिमिक्री करती है किसके साथ में, मोनार्क बटरफ्लाई के साथ। अब जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो पॉइजनस है, डिस्टेस्टफुल है, नॉर्मली प्रीडेटर जो है उसको नहीं खाता, वो इसको खाता है, लेकिन ये अपने आप को किस तरीके से बचाए, तो इसने अपने कलर की, इसने बॉडी का जो कलर है वो इसके साथ बिल्कुल हूबहू ऐसे ही कॉपी कर रखा है, तो प्रीडेटर को ऐसा लगता है कि ये पॉइजनस होगी तो इस वजह से मैं इसको नहीं खाऊंगा। अगर आप दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन देखो तो आपको ये लगेगा कि हाँ काफ़ी जो है ब्राइट कलर है और काफ़ी ज़्यादा समानताएँ हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर ये जो डिस्टेस्टफुल जो है वो चीज़ जो है कैसे डेवलप हुई, तो मोनार्क बटरफ्लाई जब ये प्रेजेंट थी कैटरपिलर स्टेज के अंदर, यानी कि जब ये छोटी बच्ची थी तो उस टाइम पे इसने एक पॉइजनस वीड जो है वो खा ली थी, एंड उस पॉइजनस वीड की वजह से इसका जो टेस्ट जो है वो डिस्टेस्टफुल जो है वो हुआ है, तो एक पॉइजनस वीड को खाने की वजह से इसके अंदर जो है ऐसा टेस्ट जो है वो हुआ है। कुछ और भी चीज़ें हैं, एक को बोलते हैं मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री का मतलब क्या है कि अगर कोई दो हार्मफुल स्पीसीज़ अपने एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुलेरियन मिमिक्री। स्नेक्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर जो है अलग से पाया जाता है, जैसे कि अगर दो पॉइजनस स्नेक है एंड दे यूज़ टू कोलाइड विद ईच अदर, तो उनके कोलिजन को किस तरीके से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, दोनों कोई ना कोई मिमिक्री जो है वो शो करे, ठीक है। ऐसी मिमिक्री जो है मोनार्क एंड क्वीन बटरफ्लाई, दोनों पॉइजनस है एंड दोनों अपने आप को बिढ़ने से बचाने के लिए जो है ये मिमिक्री जो है करती है, आप यहाँ पर अलग से देख भी सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मली यहाँ पर रोल क्या है, जो प्रीडेटर है वो प्रे को खाता है, तो क्या प्रीडेटर काफ़ी बुरा है क्योंकि वो खाने लग रहा है किसको, प्रे को, तो क्या प्रे का रोल सच में नेगेटिव है काफ़ी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रे है वो क्या करता है, जो प्रीडेटर है वो कंट्रोल करता है किसकी, प्रे की पॉपुलेशन को। प्रे की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो जनरली आप इसको कुछ ऐसे समझो जैसे कि एक फूड चेन है, प्लांट है, प्लांट को खाते हैं कौन, डियर, और डियर को खाता है कौन, लायन। लेट्स से अगर लायन जो है वो नहीं होगा तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड वो जितने भी प्लांट हैं उन सभी को ख़त्म कर देगा और अल्टीमेटली डिसबैलेंस जो है वो हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल कि जो लायन है वो यहाँ पर हमेशा रहे। अगर वो लायन हमेशा रहेगा तो याद रहे लायन की पॉपुलेशन हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू डियर की पॉपुलेशन, एंड ये इसको किस कुछ इस तरीके से रेगुलेट करता है कि जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो भी ग्रो करती रहे। तो यानी कि इसकी पॉपुलेशन के ऊपर जो कंट्रोल करने लग रहा है वो कौन करने लग रहा है, लायन जो है वो करने लग रहा है। तो डियर का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और लायन का रिप्रोडक्टिव रेट कम है, तो इसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी लायन है वो सारे के सारे डियर को खा जाए, ठीक है। एंड डियर की पॉपुलेशन कभी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, इस वजह से जो प्लांट है उसकी पॉपुलेशन हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो एक टाइप का बैलेंस है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए प्रीडेटर जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह भी यूज़ किया जाता है। एक पॉपुलर एग्जाम्पल है कैक्टोब्लास्टिस, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर से जो है मंगवाया गया था क्योंकि जो कैक्टस प्लांट है वो हर जगह जो है फैल गया था, तो उसको रोकने के लिए जो है उसका नेचुरल प्रीडेटर जो है वो मंगवाया गया था और अल्टीमेटली उसने कंट्रोल कर किया। तो हमने ये डिफरेंट चैप्टर जो है उसके अंदर ये पढ़ा था कि बायो कंट्रोल जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा प्रीडेटर काफ़ी ज़रूरी है कि वो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके, बिना प्रीडेटर के स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया
एक अमेरिका के अंदर पैसिफिक कोस्ट था एंड वहाँ पर डिफरेंट इनवर्टिब्रेट रहते थे, साथ में उनका एक प्रीडेटर भी रहता था जिसको स्टारफिश कहते हैं। तो स्टारफिश एक प्रीडेटर था वहाँ डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। जब उस प्रीडेटर को यानी कि जो स्टारफिश है उसको वहाँ से निकाल दिया गया तो 10 डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि जो प्रे की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उनके बीच में कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड जिसकी वजह से जो डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज थी उनको अपना हैबिटेट वहाँ पर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अलग अलग स्पीसीज जो है वो वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई। अगर प्रीडेटर होता है तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को ग्रो करने में जो है हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीडेटर है वो समझदार होता है, उसको पता है कि कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। इट मीन्स दे हैव मोर ब्रेन एज कम्पेयर टू प्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली इंट्रैक्शन है वो है अमंसलिज्म। अब ये अमंसलिज्म क्या होता है? तो अमंसलिज्म का मतलब ये है कि एक इस टाइप की इंट्रैक्शन जिसके अंदर, तो एक ये इंट्रैक्शन है दो स्पीसीज के बीच में है, जिसमें जो एक स्पीसीज़ है उसको तो नुकसान पहुंचता है लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसको ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसको कोई नुकसान जो है वो होता है। जैसे एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, तो एक फंगी है, वो फंगी एक एंटीबायोटिक जो है वो रिलीज़ करती है और वो एंटीबायोटिक जहाँ पर भी रिलीज़ करेगी उस जगह कोई भी दूसरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा तो व्हाट इट मीन्स कि जो दूसरे बैक्टीरिया उनका तो नुकसान होने लग रहा है एंड इसको उन बैक्टीरिया की वजह से ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। इसी तरीके से स्मूथर क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि बारले हो गई, सोरगम हो गई, ये वीड को नहीं उगने देते। तो वीड जो है नहीं उग पाएंगे तो वीड्स का तो नुकसान ही है, लेकिन जो स्मूथर क्रॉप है उसको वीड की वजह से ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान है। इसी तरीके से ब्लैक वॉलनट जो अखरोट होते हैं वो भी कुछ केमिकल एंटीबायोटिक जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे प्लांट होते हैं वो आसपास में उसके ग्रो नहीं हो पाते। अगर हम तीसरी इंट्रैक्शन देखें उसको बोलते हैं हम कमंसलिज्म। तो कमंसलिज्म का जो मतलब है वो ये है कि कमंसलिज्म एक इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ को तो बेनिफिट पहुंचता है लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसको ना तो कोई फ़ायदा पहुंचता ना ही कोई उसका नुकसान होता है। ये ध्यान में रखें अमंसलिज्म के अंदर। तो मैं इसको अलग से जो है वो लिख देता हूं कि लेट्स से इंट्रैक्शन है इंट्रैक्शन, तो हमने बात करी प्रीडेशन की, हमने बात करी अमंसलिज्म की और हम बात करने लग रहे हैं अब कमंसलिज्म। इसके अंदर जो स्पीसीज वन है एंड स्पीसीज टू है, स्पीसीज वन का यहाँ पर फ़ायदा है और यहाँ पे नुकसान है क्योंकि दूसरा तो मर ही जाता है। अमंसलिज्म में एक स्पीसीज का ना तो फ़ायदा है ना कोई नुकसान है लेकिन जो दूसरी है एंटीबायोटिक की वजह से वो जो है वो मर जाती है। ठीक है, कमंसलिज्म के अंदर देखें तो एक स्पीसीज का ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है लेकिन जो दूसरी स्पीसी है उसका क्या है फ़ायदा होने लग रहा है। किस तरीके से हम थोड़ा इसको देखें, एग्रेट बर्ड एक बर्ड होता है, नॉर्मली जब बैल वगैरह या फिर गायें वगैरह जब चरती हैं तो उनके साथ में कुछ पक्षी जो है साथ में घूमता रहता है, वो क्या करता है वहाँ पे, तो जब भी गायें वगैरह चरती हैं तो घास को वो खींचती है अपने दांतों से एंड जब वो खींचती हैं तो जो इंसेक्ट प्रेजेंट थे उस एरिया के अंदर वो इंसेक्ट नीचे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में जो बर्ड प्रेजेंट है वो आराम से उसको खा लेता है। तो गाय की वजह से या फिर जो कैटल की वजह से जो इग्रेट बर्ड है उसको तो खाना मिलने लग रहा है लेकिन इग्रेट बर्ड की वजह से जो कैटल है उसको ना तो कोई फ़ायदा मिल रहा ना उसको कोई नुकसान मिल रहा। ऑर्चिड, ऑर्चिड एक छोटा सा प्लांट होता है एंड वो एक एपीफाइट है, एपीफाइट यानी प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट जो ग्रो करता है, मैंगो के ऊपर ये जो है ग्रो करता है एंड इसके ग्रोथ की वजह से जो मैंगो प्लांट है ना तो उसको कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा फूड जो है वो लेता नहीं है लेकिन जो ऑर्चिड है उसको न्यूट्रिशन मिलने लग रहा है तो उसका तो नुकसान सॉरी उसका तो फ़ायदा जो है वो होने लग रहा है। सी एनिमोन जो है वो हर्मिट क्रैब के ऊपर जो है वो रहता है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है और साथ में खाना भी जो है वो फिल्टर करके ले लेता है, तो ये भी एक टाइप का कमंसलिज्म है। ऐसे ही सकरफिश है,
कि जो शार्क है उसके साथ में ये भी जो है वो तैरते रहती है, इनको जो फ्री राइड जो है वो मिल जाती है। तो जो सकर फिश है उसको तो फ़ायदा है, लेकिन जो शार्क है उसको ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही उसको कोई नुकसान है। इसी तरीके से पाइवोट फिश अलग डिफरेंट टाइप की और इंट्रैक्शन होती है। क्लोन फिश का भी जो है कोई फ़ायदा कोई नुकसान जो है वो नहीं होता सी एनीमोन को। तो और भी डिफरेंट इसके एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट तो दो इंट्रैक्शन और अभी साथ के साथ देख लेते हैं और कंपेरेटिवली उसको देखेंगे। तो एक तो है जिसको बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन और दूसरी इंट्रैक्शन है म्यूचुअलिज्म। तो दो टाइप की इंट्रैक्शन है। प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है, इट इज ए इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होती है इन विच बोथ स्पीसीज get benefited with each other and can also survive without each other। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये भी क्या है, it is a इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, यानी कि ये भी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होती है इन विच जिसके अंदर बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर बट one species cannot survive without other species, यानी दूसरी species के बिना पहले वाली species जो है वो नहीं रह पाएगी। यानी कि फ़ायदा तो दोनों species को होता है, लेकिन एक के अंदर ये है कि बिना उसके तो वो स्पीसीज मरी जाएगी, लेकिन एक के अंदर ऐसा है कि अगर वो स्पीसीज नहीं भी होगी तो भी वो जो है सर्वाइव कर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, एक होता है क्रोकोडाइल बर्ड, ये फूड लेता है, गेट फूड, जैसे कि लीच जो है वो लेता है लीच फ्रॉम दी क्रोकोडाइल माउथ एंड क्रोकोडाइल गेट रिलीफ फ्रॉम दी लीच। तो लीच जो है वो उसके दांतों में फंसे होते हैं एंड फूड भी जो है वो उनके बीच में जो है फंसा होता है। तो अगर ये क्रोकोडाइल बर्ड आता है तो उसके दांत जो है साफ भी हो जाते हैं, साथ में लीच जो है वो भी चला जाता है, तो जो क्रोकोडाइल है उसका फ़ायदा होने लगने लग रहा है, साथ में जो क्रोकोडाइल बर्ड है उसका भी फ़ायदा होने लग रहा है, दोनों का वो फ़ायदा होने लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर क्रोकोडाइल बर्ड नहीं आएगा तो जो क्रोकोडाइल है वो मरी जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नहीं होगा तो दूसरा जो है वो नहीं रह पाएगा। ऐसे ही एक ओक्स पिकर और राइनो का है। तो जो ओक्स पिकर है गेट लीच या फिर फूड फ्रॉम राइनो, तो ये बर्ड जो है उसके ठीक ऊपर जो है वो बैठा रहता है एंड जो राइनो है उसको इससे क्या फ़ायदा होता है, तो जो बर्ड है बर्ड शाउट व्हेन डेंजर इज नियर बाय। तो अगर कहीं आसपास में डेंजर होता है तो जो राइनो होता है तो उसके लिए वो जो है बर्ड जो है वो चिल्लाने जो है वो लग जाए, तो दोनों का जो फ़ायदा जो है वो होने लगने लग रहा है। अगर हम म्यूचुअलिज्म को देखें तो म्यूचुअलिज्म के अंदर यानी कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह पाते, तो उसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें,
म्यूचुअलिज्म का, तो लाइकन है भाई। तो लाइकन जो है वो किसका बना हुआ है, एल्गी का, एंड और किसका बना हुआ है, फंगी का। तो जो एल्गी है वो प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड हिमसेल्फ, यानी खुद के लिए और फंगी के लिए जो करती है। बदले में जो फंगी है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एल्गी क्या, जो वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है, साथ में जो मिनरल जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड डिफेंड करता है, डिफेंड फ्रॉम आउटसाइड डेंजर, उससे जो इसको प्रिवेंट करता है। लाइकन नॉर्मली जो है वो कहीं पर भी मिल सकता है, यानी कि पेड़ के ऊपर भी मिल सकता है, रॉक के ऊपर मिल सकता है, पानी में भी मिल सकता है, तो कहीं पे मिल सकता है। तो वो मिल क्यों रहा है, क्योंकि एल्गी और फंगी की एसोसिएशन है। उसी तरीके से माइकोराइजा है, माइकोराइजा ये किसकी एसोसिएशन है, प्लांट की और फंगी की। तो प्लांट क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फूड फॉर फंगी, एंड जो फंगी है वो क्या करता है प्लांट के लिए, जो फंगी है वो प्रोवाइड करता है मोर वाटर मिनरल एंड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस जो है वो भी ये शो करता है। तो दोनों का फ़ायदा होने लग रहा है, दोनों इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा पोलिनेशन, पोलिनेशन एक आल्सो एक प्रोसेस है, ठीक है। एंड पोलिनेशन किस किस के बीच में होता है, प्लांट और जो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेट से बर्ड, ठीक है। तो जो प्लांट है उसको क्या फ़ायदा है, प्लांट जो है, प्लांट गेट पोलिनेटेड किसके द्वारा, बाय बर्ड्स, ठीक है, बर्ड हो गए या फिर इंसेक्ट हो गए, उसके द्वारा जो पोलिनेट जो होते हैं। एंड जो बर्ड है उसको क्या फ़ायदा है प्लांट से, तो बर्ड जो है वो प्लांट से क्या लेंगे, नेक्टर एज फूड। तो दोनों का जो है वो फ़ायदा जो है वो होने लग रहा है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को जो है फ़ायदा करने लग रही है। इसको को इवोल्यूशन जो है वो बोलते हैं, कि एक स्पीसीज जो है उसके हिसाब से दूसरी स्पीसीज डेवलप होने लग रही है, ताकि दोनों का जो बेनिफिट जो है वो हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें, एक अलग से इंट्रैक्शन और है अजीबोगरीब सी, कि एक प्लांट है मेडिटेरियन रीजन के अंदर ओफ्राइस, वो जो प्लांट है उसकी एक जो पेटल है वो बिल्कुल फीमेल बी के जैसी है। तो मेल बी को जब वो फीमेल बी जब दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जो है वो आता है एंड अल्टीमेटली उसके साथ कोपुलेट करता है। बट जो कि वो तो एक पेटल थी, इसी वजह से ये जो कोपुलेशन है वो एक सूडो कोपुलेशन होती है। प्लांट जो है वो उसको तो पोलिनेशन जो है हो जाता है, एंड जो मेल बी है उसका जो है कोपुलेशन जो है वो हो जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों का जो है वो फ़ायदा होने लग रहा है, लेकिन दिस कोपुलेशन इज़ ए फॉल्स। तो इसी वजह से इसको हम सेक्सुअल डेसीड जो है बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आई होप आपको ये समझ में आ, अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।